दिल्ली व्यवसायी लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा ने अपने निजी खर्च से शनिवार को बिरनी के बरमसिया समेत कई विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच पठन पाठन की सामग्री का वितरण किया। सबसे पहले बरमसिया पंचायत के मध्य विद्यालय टोटो में लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा ने बच्चों के बीच कलम पेंसिल कॉपी का वितरण किया। इसके बाद बरमसिया पंचायत के बरमसिया स्कूल में महेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के बीच कॉपी कलम पेंसिल समेत अन्य सामग्री का वितरण किया। इस बीच व्यवसायी श्री कुशवाहा ने कहा कि विद्यालय में पढ़ने वाले नन्हे बच्चे हमारे गांव के हैं। पढ़ाई में उनका उत्साह वर्धन के लिए मैंने यह कार्य किया। उन्होंने बच्चों से मन लगाकर पढ़ने की बातें कही। वहीं सांसद प्रतिनिधि प्रेमचंद प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उक्त विद्यालय में वर्ग 1 से 8 तक करीब 125 बच्चे अध्ययनरत है, परंतु शिक्षक मात्र एक ही है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है, जिसके लिए मैंने ब्लॉक से जिला तक आवेदन कर चुका हूं, परंतु किसी भी पदाधिकारी ने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने शिक्षा विभाग से विद्यालय में शिक्षकों की कमी को पूरा करने की मांग की है।